अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज नॉमिनेशन के एक दिन के पहले का दिन है, कल नॉमिनेशन पहले चरण का समाप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कल जो 11 सीटें घोषित की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है जब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। वरुण के टिकट कटने का क्या मायने हैं, और संतोष गंगवार का भी टिकट कटा है, बीजेपी ने 62 टिकट घोषित किए 62, जिसमें से वो अपने 9 सांसदों का टिकट अब तक काट चुकी है, इसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, कल यानी 27 तारीख को पहले चरण के नॉमिनेशन का लास्ट डे है। 27 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, और इसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पीलीभीत। वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा? वरुण गांधी ही क्या आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसी चर्चा थी कि वो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के करीब हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन उसके पहले समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। बहन भाइयों, वरुण गांधी अब क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और उस इलाके में जहां पर यह चुनाव है, सहारनपुर से लेकर रामपुर तक, जिस इलाके में की ये 8 सीटों पर चुनाव है, वरुण गांधी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो गांधी है इसलिए भी, और वो वरुण गांधी है इसलिए भी। एक समय हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने वरुण गांधी अब पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी से दूर हो चुके हैं। बीजेपी के साथ उनके संपर्क और संबंध अब जगजाहिर हैं। हालांकि पिछले कुछ एक महीनों से वो थोड़ा शांत हो गए थे, इसलिए संभावनाएं जताई जा रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको पीलीभीत से टिकट दे दे, लेकिन उनकी मां को टिकट मिला, उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी मां सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वरुण गांधी क्या करेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। बहन भाइयों, दरअसल पीलीभीत का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां वरुण गांधी से ज्यादा बीजेपी के दिल्ली के नेतृत्व की भी इज्जत दांव पे लगी है, क्योंकि वरुण का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है, और जितिन का वहां से चुनाव लड़ना यह दिल्ली आलाकमान और लखनऊ की ज्वाइंट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जितिन प्रसाद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग जानते हैं कि जितिन प्रसाद और उनकी फैमिली बैकग्राउंड और किस तरह से धौरहरा और आसपास शाहजहांपुर की सीटों पर उनका खासा प्रभाव रहा है। हालांकि वो लगातार चुनाव हारते रहे, और उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो जितिन प्रसाद, जो राहुल गांधी के बड़े खास थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जितिन पर बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व की बड़ी मेहरबानियां हैं, उनको MLC बनाया गया, फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और फिर PWD जैसा बेहद महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, और अब उन्हें पीलीभीत में वरुण की जगह लेनी है। बहन भाइयों, क्या जितिन प्रसाद एक सुटेबल रिप्लेसमेंट हैं वरुण गांधी की जगह पर? और अब वरुण गांधी क्या करेंगे? क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? उनके पास समय है कल 3 बजे तक का। हालांकि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पर्चा खरीद रखा है, लेकिन अभी उनका कोई मूवमेंट पता नहीं चल रहा है। उनके करीबी कहते हैं कि वो शायद अब पीलीभीत से चुनाव ना लड़ें। तो वरुण गांधी क्या करेंगे इस उम्र में? क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, या वरुण गांधी कुछ बड़ा रणनीतिक फैसला करेंगे, या कुछ बड़ा करेंगे? आदमी की जब राजनीतिक क्षमताएं कम होती हैं तो फिर वो कांड करता है, तो क्या वरुण गांधी भी कोई कांड करेंगे? संभावना वैसे कम है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ये पहले चरण की राजनीति में क्या है, और बीजेपी ने जिन 9 सांसदों का टिकट काटा है, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है संतोष गंगवार। लोग 8 बार पार्षद नहीं बन पाते हैं, और संतोष गंगवार 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। अब की लड़ते जीतते 9 बार बनते, ट्रिपल हैट्रिक, डबल हैट्रिक वो मार चुके थे। बहन भाइयों, 89 से उन्होंने राजनीति में, संसदीय राजनीति में कदम रखा, और सिर्फ एक बार वो 2009 में प्रवीण सिंह एरन से हारे, वरना 89, 91, 94, 96, 98, 2004, 2009 में हारे, 2014, 2019, जबरदस्त पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड संतोष गंगवार। अब वो चुनाव मैदान से बाहर है। शायद 75 साल वाला उन पर फार्मूला लगा है, लेकिन 75 के तो और लोग भी हैं, लेकिन फार्मूला लग गया संतोष गंगवार पर। अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हैं। तो वो क्या करेंगे, आज इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बहुत सारे प्रत्याशियों के बीच में एक प्रत्याशी का चयन निश्चित रूप से एक जटिल
समस्या का समाधान करने जैसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस पारदर्शिता के आधार पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर और उनकी लोकप्रियता के आधार पर निर्णय किया है, वे प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं और कहीं किसी जगह पर अगर कोई कार्यकर्ता के मन में कोई आहत होने जैसी बात होगी, निश्चित रूप से संगठन उन्हें संभालेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करेगा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिताओ प्रत्याशी अपने पीडीए फॉर्मूले पे दिए हैं। समाजवादी पार्टी में हर तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। बहनों भाइयों, आज की परचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मनीषा अहलावत राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता हैं। और दो बहुत ही जाने माने पत्रकारों को मैंने आमंत्रित किया है जो इन पश्चिम उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर पहले फेज की सीटों के विशेषज्ञ हैं। केपी मलिक मेरे साथ मौजूद हैं और पीलीभीत से जाने माने पत्रकार संदीप सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत